हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में कोर्ट मैरिज के क्या रूल हैं, क्या नया अपडेट है। इससे पहले भी हमने उत्तराखंड में कोर्ट मैरिज को लेकर के वीडियो बनाया था, इस पर आपका बहुत सारा रेस्पॉन्स मिला, बहुत सारा प्यार मिला। दोस्तों, उत्तराखंड में कोर्ट मैरिज सेम डे में ईजिली हो जाती है, कोई 30 डेज का टाइम नहीं लगता है, नहीं घर पर नोटिस जाता है और न ही किसी को मालूम पड़ता है, जब तक कि आप लोग अपनी तरफ से किसी को नहीं बताएं। दूसरा सबसे ज़्यादा फायदा यह थी, लोग यह कह रहे थे सर हमने उनसे बात की, यूट्यूब से हमने इनसे गूगल से बात की, उन्होंने बोला दिल्ली में ही कोर्ट मैरिज होती है और कहीं भी नहीं होती। तो मैं आपको बता दूँ, ऐसे लोगों से सख्त बचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं उत्तराखंड में यहाँ भी इजली कोर्ट मैरिज हो जाती है, इसके लिए आपको दिल्ली मुंबई कलकत्ता जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, देहरादून में, उत्तराखंड में भी केवल देहरादून और हरिद्वार में ही कोर्ट मैरिजें होती हैं सेम डे में। उसमें यह ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम कास्ट से हों, सेम रिलीजन से हों, आप इंटर कास्ट हो, इंटर रिलीजन हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, एक क्लाइंट उत्तराखंड से है, दूसरा फॉरेन नेशनल है, विदेश से है, या दोनों ही कपल आउट ऑफ उत्तराखंड से, उत्तराखंड के रहने वाले नहीं हैं, फिर भी आप अपना ईजिली कोर्ट मैरिज करा सकते हैं। दोनों ही हिंदू हैं, इनका सेम डे में आयुष्मान मैरिज और कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और आप जो ये सर्टिफिकेट देख रहे हैं, यह कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट को आप उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट में दोनों में से कोई भी उत्तराखंड से रहने वाले नहीं हैं, और यह सेम डे का ही सर्टिफिकेट है। यह कम्प्लीटली डिजिटल होता है, वर्ल्ड वाइड वैलिड होता है। दूसरा सर्टिफिकेट इंटर रिलीजन मैरिज का सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं इसमें ब्राइड मुस्लिम है और ग्रूम हिंदू है, और दोनों ही आउट ऑफ उत्तराखंड के रहने वाले हैं, फिर भी इनका देहरादून में ईजली कोर्ट मैरिज हो गया है। और ये सेम डे का कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट है, यह भी कम्प्लीटली डिजिटल होता है। दूसरा दोस्तों, आप किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन के, जैसे कि हमने बताया किसी भी रिलीजन को, यहाँ पर सेम डे में कोर्ट मैरिज हो जाती है और सेम डे ही कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। दूसरा दोस्तों, कोर्ट मैरिज के लिए कुछ रूल एंड कंडीशंस भी होती हैं जो आपको एज पर लो फुलफिल करनी होंगी, जिसके लिए गर्ल की एज 18 साल, बॉय की एज 21 साल कम्प्लीटली होनी चाहिए, दोनों के पास अपने एज और एड्रेस प्रूफ होने चाहिए। कोर्ट मैरिज के लिए 2 विटनेसेज भी चाहिए होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि विटनेसेज आपके फैमिली मेम्बर ही हों, विटनेसेज आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स को भी विटनेस करा सकते हैं। दोस्तों, विटनेसेज मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, विटनेसेज की एज 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दोस्तों, यह जो प्रोसीजर बताया गया है ये कोर्ट का ही प्रोसीजर है, सेम डे कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है। यह कोर्ट मैरिज करने के बाद आप दोनों सेम डे से लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। इसके ब्याह पर आप पुलिस प्रोटेक्शन या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में लाभ ले सकते हैं, या अगर आप स्पाउस वीजा के लिए फाइल लगा कर बाहर जाना चाहते हैं तो आप ईजिली स्पाउस वीजा के लिए भी फाइल लगवा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आपका कोर्ट मैरिज को लेकर या और किसी क्वेरी को लेकर के आपकी कोई लीगल क्वेरी है, आपका कोई डाउट है, तो आप हमें मंडे टू सैटरडे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।